नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर प्लीज़ बताएं कि आईटीआई एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा। सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया है, लेकिन वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम का UP ITI का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके बारे में बताएं सर कि कब ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी अभी आज जो है 3 जनवरी 2020 को जो है DGT की तरफ से एक मेल भी आई हुई है और एक मैसेज भी आया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम का जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी 2020 तक डिक्लेयर हो जाएगा। यानी 10 जनवरी 2020 के पहले या उसके बाद भी आपका रिजल्ट जो है उस डेट तक, यानी 10 जनवरी 2020 तक जो है आपका ITI का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। ये मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नीचे जो है इस प्रकार का मैसेज आया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम का जो रिजल्ट है जो जुलाई 2019 में हुआ था उसका परिणाम जो है 10 जनवरी 2020 तक आ जाएगा। यहाँ पे 2019 लिखा है, वो मिस्टेक से वहाँ पे DGT की तरफ से मिस्टेक हुई है, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 10 जनवरी 2020 तक आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और अभी तक आप नए हैं और अभी तक आप लोगों ने जेके एरुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके जेके एरुटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जेके एरुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिनको जो है ITI के लेकर काफ़ी वो मतलब कन्फ्यूज हैं। और यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसी वीडियो हैं जिसे बताया जा रहा है कि आज होगा कल होगा, लेकिन आज जो है DGT की तरफ से मेल आया हुआ है और मैसेज आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक देखते रहें जेके एरुटेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।